यूट्यूब चैनल सत्यनारायण ट्रेडर। गाइस आप सभी देख पा रहे हैं मैं क्यूटस के लाइव अकाउंट पे आ चुका हूँ। देन यहाँ पे आप सभी के सामने चार्ट देखने को मिल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सा आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे अपने फंडामेंटल जो कुछ स्ट्रैटेजी कह लो या फिर कुछ लाइंस वगैरह कह लो या जो अपना दिमाग लगाना कह लो, ठीक है, जो मैंने लगाया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मार्केट ने यहाँ जैसे कि डाउनफॉल बनाया, यहाँ से मार्केट इस लाइन को टच करते ही मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में गया। जैसे इसने इस लाइन को टच किया मार्केट डाउन आया, फिर यहाँ से मार्केट ने इसको टच किया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच किया मार्केट डाउन आया। ठीक है, तो आप किस तरह से ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आप सभी इस तरह की चीजों को सीख सकते हैं, तो इस वीडियो को गाइस शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो डिपॉजिट ऑप्शन है अभी फिलहाल इंडियन मेथड नहीं है, आप सभी जानते हैं ग्लोब पे, और जो है परफेक्ट मनी से आप जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए और आपका विड्रॉ भी आपको इजीली मिल जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप जो है बाइनेंस का अकाउंट ओपन कर लीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, या फिर आप जो है कॉइनबेस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज चाहिए जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारा का सारा नॉलेज मिल जाएगा इस बारे में। ओके, क्रिप्टो से रिगार्डिंग आपकी डिपॉजिट से रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है सारी की सारी क्वेरी मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी यूपीआई ऑप्शन में दिक्कत हो रही है, ठीक है, यूपीआई वगैरह नहीं है, इंडियन मेथड में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए आपको थोड़ा सा अभी अरेंज करना पड़ेगा कहीं से ना कहीं से। ठीक है, तो ये रहे हमारे डिपॉजिट और विड्रॉल वाले ऑप्शन। ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे फिलहाल। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई डेडिकेटेड वीडियो हो इस विड्रॉ और डिपॉजिट के रिगार्डिंग, तो जरूर गाइस मुझे इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बट गाइस कहना चाहूंगा इस वीडियो में 1000 रुपये का गिव अवे है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसे वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि आपको टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना है, क्योंकि गाइस विनर आपको वही मिलेगा और वही विनर बनेगा जो टेलीग्राम को ज्वाइन करेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी, जाके फटाफट ज्वाइन कर लो। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है और 2 कर रखी है मैंने यहाँ पे ट्रेन लाइन को ड्रॉ। ठीक है, अभी मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन को कुछ और भी हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे यहाँ पे लेनी है, तो मैं इनको बैक साइड कर लूंगा और यहाँ पे पिन वाले सिंबल पे यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे आपको सारे के सारे ड्राइंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको जो है कोई भी तरह का पिच फैन यूज करना है, पिच फॉग यूज करना है, प्राइस रेंज यूज करना है, ये जो पेंसिल वाले ड्राइंग वाले ऑप्शंस हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली ट्रेडिंग में इनको यूज करते हैं, चाहे स्टॉक्स में, चाहे अपने फॉरेक्स मार्केट में, या चाहे कह लो बाइनरी मार्केट में, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है इन सभी को यूज करने के बाद। और यही मैं अगर गाइस और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो आप देख भी लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्चुअल में ड्रॉ कैसे किया जाता है। जैसे मुझे आप यहाँ पे देख लीजिए, मुझे यहाँ पे एक लेवल है नीचे जो हम कहते हैं इसे सपोर्ट लेवल कहते हैं, इस सपोर्ट लेवल मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और मुझे अच्छे से देखे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसका कलर जो है 2 कर दिया, 3 कर दिया, चलो 2 कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी अच्छी खासी मुझे दिखे। ठीक है, तो मैंने इस पोजीशन पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे नीचे की साइड और लेनी है। डेली अगर मार्केट में निकल रहे हैं, उतर रहे हैं भैया मार्केट में ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं होगा, इस थोड़े थोड़े फंडामेंटल एनालिसिस को आपको जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये चीजें देख लेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आने वाले टाइम में आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आपको बड़ा कर दूँ, यहाँ पे कैंडल का टाइम फ्रेम यहाँ पे बड़ा कर दूँ, आपको इजीली यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मेरे सामने 5 मिनट का कैंडलस्टिक्स का टाइम है, यहाँ पे देख लीजिए 5 मिनट का कैंडल टाइम यहाँ पे चल रहा है। और अगर यहाँ पे मैं इसको चेंज भी कर दूँ, मान लो यहाँ पे मैं 1 मिनट कर देता हूँ, तो आपके लिए यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा और आसान अब यहाँ पे होने वाला है। कैसे होने वाला है, चलिए हम यहाँ पे बड़ा कर दूं इसको। ठीक है, सो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही गाइस इस लाइन ने इसको टच किया, थोड़ा सा क्रॉस किया, मार्केट डाउन गिरा, हॉरिजॉन्टल लाइन को फिर से इसने क्रॉस किया, फिर मार्केट डाउन गिरा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें गाइस क्या मिल रहा है देखने को, फिलहाल जो है मार्केट हमें साइडवेज ट्रेंड दिखा रहा है। साइडवेज हम कैसे पता चलेंगे ये मार्केट साइडवेज चल रहा है, चलिए मैं आपको ये डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हम वापस से मार्केट में बैक आएंगे, यहाँ पे देखिए जैसे ही गाइस यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट वापस से हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आया, अंदर आने के बाद गाइस इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके डाउन आया, लेकिन फिर ये मार्केट अपवर्ड उछाल मारा, फिर इसने हॉरिजॉन्टल लाइन को भी क्रॉस किया, देन हमारी ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस किया। ठीक है, क्रॉस करने के बाद गाइस ये बहुत बड़ी बात थी कि इसने हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये बड़ा मूवमेंट होता है मार्केट की, अगर कभी भी कोई कैंडल, कभी भी कोई मार्केट डायरेक्शन क्रॉस कर रहा है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को या फिर कह लो हमारे ट्रेंड लाइन को, तो वहां पे एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, या फिर वो डाउन में हो सकता है या फिर अपवर्ड में हो सकता है। तो खैर इसने मार्केट में मोमेंटम वापस से फ्लो किया अपना डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है, जो कि मार्केट अगेन जो है मार्केट डाउन डायरेक्शन में आया, फिर यहाँ पे इसने मार्केट कंटिन्यू डाउन आया कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए, मार्केट फिर उछाल हमारा अपवर्ड गया। तो अब हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है, या तो हमें इंतजार करना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्केट ये टच करेगी, कैंडल टच करेगी, ठीक है, या तो हमें यहाँ तक इंतजार करना है, वरना हम क्या कर सकते हैं गाइस कि 5 मिनट का टाइम लेके हम क्या कर सकते हैं कि इंतजार कर सकते हैं और 5 मिनट के बाद हम जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी कहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। सो हम यहाँ पे गाइज अपना अमाउंट जो है इंक्रीज करेंगे, $250 में यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे $250 इन्वेस्ट कर लिया और यहाँ पे टाइमिंग पे जाऊँगा,
कर दूंगा भैया 5 मिनट, लेकिन मैं ट्रेड जो एग्जीक्यूट करूंगा वो करूंगा इस कैंडल के बाद, क्योंकि गाइस मैं चाहता हूं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ये टच करे, ठीक है, जो कि कर भी चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इंडिकेशन ये मिल गया कि 5 मिनट के लिए हम कैंडल 5 मिनट के टाइम पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कहाँ पे, अप ऑर्डर, जो कि हमारी 90% चांसेस है कि हमारी ट्रेड जो है विन हो जाएगी, ठीक है। इंतजार करते हैं, आपके सामने लाइव चीजें दिखाने वाला हूं जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन जो फंडा मैंने यूज करा हुआ है, मैं इसको सेम जो है स्टॉक मार्केट में भी यूज करता हूं, निफ्टी वगैरह पे ट्रेड करने के लिए भी उसको यूज करता हूं, और मुझे इससे अच्छे खासे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं काफी जगह यूज करता हूं, और आप चाहते हैं कि आपको ये चीजें यूज करें, आपको जो है लाइव मार्केट पे आपको एनालिसिस करके बताऊं, तो गाइस इसको आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है, ठीक है। बिना मैंने टाइम वेस्ट किए यहाँ पे 2 ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी हैं, 250 प्लस $250 की, ठीक है। मुझे पता है गाइस मेरा मार्केट यहाँ से अबाउट जाना है, ठीक है, अब कितने टाइम बाद जाना है मुझे ये नहीं पता, लेकिन 5 मिनट के कैंडलस्टिक्स टाइम में ये मार्केट अपवर्ड की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। हमारे एनालिसिस ये कहता है, देखो मार्केट किसी का नहीं, आप सभी ये चीज़ जानते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ एनालिसिस करके हम बोल जरूर सकते हैं कि भैया मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाला है, जो कि वही एनालिसिस करके मैं आपको वही चीज़ें दिखा रहा हूँ कि भैया मार्केट अभी जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा के हिसाब से मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 1 मिनट की कैनालिसिस का टाइम फ्रेम है, अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूँ, चलिए मैं यहाँ पे 5 मिनट कर देता हूँ, जो कि मैं मार्केट में अप्लाई कर रखा था पहले से, वॉइस को कम कर देता हूँ, थोड़ा दिक्कतें होंगी आपको, ओके। यहाँ पे देख लीजिए मार्केट में एक तो वोलेटिलिटी ज़्यादा है, आप खुद ही यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए किस टाइप की शैडो टाइप की कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, बट कोई नहीं गाइस, हम जो अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को यहाँ पे देख पा रहे हैं साइड में, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू को अगर आपको देखना नहीं आता तो आपको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस। वीडियो को अभी तक आपने गाइस लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइस लाइक कर लीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलते हैं, ठीक है। फटाफट जाओ वीडियो को लाइक कर लो गाइस, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइस, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास लगभग टाइम बच रहा है अभी 3 मिनट 40 सेकंड का, हमारे पास एक बड़ा टाइम है, हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, और अगर हम मार्केट का मोमेंटम बैक साइड में देखें, यहाँ पे पीछे की साइड जाएं, ठीक है, पीछे की साइड जाएं, तो कुछ इसी तरह से ही मार्केट ने हमें मोमेंटम दिखाया है, ठीक है। 5 मिनट आप देख सकते हैं किस तरह से मोमेंटम मार्केट ने दिखाया है, मैंने आपको पूरा पूरा जूम आउट कर दिया है, ठीक है। अभी हमने जो 2 ट्रेड यहाँ पे अप्लाई करी है 250 प्लस $250 की, अभी हम कुछ खास रिटर्न या फिर खास इंडिकेशन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, फिलहाल हमें दोनों की दोनों ट्रेड हमें लॉस दिखा रही है, और नीचे की साइड जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसको टच करने जा रही है। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे, हमारे पास टाइम है 3 मिनट का, 3 मिनट में गाइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 मिनट 55 सेकंड का हमारे पास टाइम बचा हुआ है, वापस हम जूम इन करेंगे यहाँ पे, अगेन मार्केट पे हम आएंगे, हमारे पास गाइस टाइम है, हम टाइम के लिए बोल रहे हैं कि भैया आपको अपने टाइमिंग का जरूर गाइस ध्यान रखना है, कि आप जो किस टाइमिंग पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपनी, ठीक है, वो चीज का जरूर आपको ध्यान देना है। अगर मैं बोलूं सीधी सीधी बात में गाइस, तो नीचे पे यहाँ पे जो है सपोर्ट लेवल को टच कर रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल को, सॉरी सपोर्ट नहीं बोल सकते, रेजिस्टेंस ही है मेरे ख्याल से, हाँ रेजिस्टेंस RS1 को टच कर रहा है, ठीक है, RS1 को यहाँ पे हमारा RS1 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसको ये टच कर रहा है, बट कोई नहीं, हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, RS1 को टच करके गाइस मार्केट ऊपर ही जाएगा, मेरा ये 100% मानना है, यहाँ से मार्केट ऊपर गिरेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, गिरेगा नहीं, गिरना हम उसको डाउनफॉल पे बोलते हैं, ठीक है। इंतजार करते हैं, फिलहाल ट्रेड प्रॉफिट में आ चुके हैं, 2 मिनट का हमारे पास टाइम है, ओके। मैंने आप सभी को बोला था गाइस 90% चांसेस है कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट हो सकती है, और 10% हमारे जो नेगेटिव वाले चांसेस बन रहे थे वो इसलिए बन रहे थे बिकॉज, क्योंकि गाइस मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत ही ज़्यादा डरा भी रहा है, और आप सभी ने स्टॉक्स पे भी देखा था कि मैंने किस तरह से 2 लाख के लॉसेस को कवर करके मैं वापस से प्रॉफिट में आया था। तो ये चीज़ें आपको जरूर गाइस ध्यान में रखनी है कि किस तरह से आप जो है प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट में, किस तरह से आप जो है जेन्युइनली गाइस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं आपको 100% यही सजेस्ट करूंगा गाइस, आप मार्केट में जितना ज्यादा हो सके चार्ट वगैरह को रीड करें, चार्ट वगैरह को वॉच करें, ठीक है। अगर आप चार्ट को वॉच नहीं करते तो आपको यहाँ पे लॉसेस के चांसेस गाइस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। प्रॉपर मेरे पास 2 मिनट का टाइम बचा हुआ है यहाँ पे, सॉरी 1.5 मिनट का टाइम बचा है यहाँ पे, 19 सेकंड बचे हैं इस कैंडल के एंडिंग में, उसके बाद मेरे पास लगभग 1 मिनट का टाइम बचेगा, वो 1 मिनट का टाइम गाइस डिसाइड करेगा कि मैं ये ट्रेड कहाँ पे लैंड करने वाला हूँ, ठीक है, प्रॉफिट या फिर लॉस, ओके। अगर गाइस आप फंडामेंटल एनालिसिस ठीक से कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस ठीक से कर रहे हैं, देख रहे हैं मार्केट को, रीड कर रहे हैं चार्ट को, तो गाइस आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता, मार्केट में गारंटी मेरी है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ, ऑलरेडी 53 सेकंड्स यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है, 53 सेकंड्स के बाद जो है डिसाइड होगी हमारी ट्रेड भाई जाने कहाँ वाली है, क्योंकि मार्केट की वॉलिटिली आप खुद देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में कैसे कैसे मार्केट भैया गुल खिला रहा है यहाँ पे, ठीक है। 40 सेकंड बचे हैं, देख लीजिए फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं, आपके सामने लाइव ही है ये, यहाँ पे देख लीजिए 34 सेकंड्स यहाँ पे देख लीजिए, 31 सेकंड बचे हुए हैं लाइव एंडिंग में ट्रेड के, हम कुछ कह नहीं सकते कि हमारी ट्रेड जा कहाँ सकती है गाइस, ठीक है।
इतना ज़्यादा गाइज मोमेंटम बदला हुआ है इस चार्ट का, इतना ज़्यादा मोमेंटम बिगड़ा हुआ है कि मैं इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता, बता भी नहीं सकता गाइज यहाँ पे कहाँ एंड हो सकता है। बट इंतजार करते हैं, इंतजार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। फाइनली अगर हमारी ट्रेड लॉस होती है तो मैंने आपको बोला था, मैंने बताया था भाई आपको कि मार्केट में जो ट्रेड 10% जो लॉस के चांसेस हैं वो सिर्फ इसीलिए हैं कि हमने जो ट्रेड एग्जीक्यूट करी है वो हमने अपनी फ्लक्चुएशंस वाले मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करी है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए एक ट्रेड हमारी भैया प्रॉफिट हो गई है और एक ट्रेड देख लीजिए आपके सामने लाइव लॉस हुई है। कोई बात नहीं, हमने एक ट्रेड जो है एक मिनट की डाली है अपवर्ड डायरेक्शन में, $1,000 की ये ट्रेड है। बहुत ज़्यादा रिस्क लिया क्योंकि मैंने आपको बोला था यहाँ से मार्केट को अपवर्ड जाना चाहिए, कितना डाउन गिरेगा यहाँ पे, ठीक है। नीचे की साइड लेवल है, खैर टच तो नहीं किया उस लेवल को, लेकिन यहाँ से अपवर्ड जाना चाहिए। मैंने जो दो ट्रेड यहाँ पे 5-5 मिनट की डाली थी, आप खुद देख सकते हैं प्रॉफिट है, ज़्यादा डिफरेंस से प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे। एक पाइप हम बोल सकते हैं, एक पाइप से ही, एक पाइप के डिफरेंस, दो पाइप के डिफरेंस से ये हमें ट्रेड प्रॉफिट हुई, यानी दो पॉइंट के डिफरेंस से प्रॉफिट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट अभी दिखा रहा है। नीचे रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हम उसको इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं उसको, कंटिन्यू देख रहे हैं कहाँ जा सकता है गाइस। ओके, हमने लगभग जो मार्केट ने प्रॉफिट बनाया था वो खैर अभी तो फिलहाल हमारा देखते हैं यहाँ पे अगर जाते हैं तो लगभग वही गाइस, अगर ट्रेड लॉस होती है तो हमारा लगभग हमारे पास $4,000 बचेंगे, ठीक है, जो प्रॉफिट हमने बनाया था। कोई बात नहीं, देखते हैं, इंतजार करते हैं गाइस टच करने वाला है या फिर नहीं करने वाला है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है कि मार्केट बदल सकता है मोमेंट को, अपवर्ड की तरफ जा सकता है। ओके, चलिए गाइस, मैंने मार्केट के मोमेंटम को फॉलो कर लिया, अब देखते हैं मार्केट का मोमेंटम कितने हद तक हमें सही दिखाता है, क्योंकि दो ट्रेड मैंने एक बड़ी अमाउंट की ट्रेड डाली है यहाँ पे। ओके, और मार्केट जैसे ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी आप सभी के सामने, मार्केट धड़ाम से अप गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, नीचे जो रेजिस्टेंस वन बन रहा है उसको टच करने ही वाला था और मैंने उसी चीज़ को देखते हुए ट्रेड जो है डाउन डायरेक्शन में डाली थी, बट इंतजार के अलावा मेरे पास कुछ है नहीं फिलहाल, 13 सेकंड बचे हुए हैं। जो भी होगा गाइस माइनर डिफरेंसेस से होगा, कुछ ही डिफरेंसेस से होगा ये हमारे ट्रेड में। देख लीजिए मैंने आपको बताया था कुछ ही डिफरेंसेस से हमारी ट्रेड जाएगी लॉस या फिर प्रॉफिट जाएगी, ठीक है। लास्ट के कुछ सेकंड्स में ही जो है निर्णय बदला है। ओके, देखते हैं थोड़ा सा डाउन आए, चलिए मैंने यहाँ पे अपना रिस्क भैया ले लिया है। ओके, कोई बात नहीं, चलिए चलो भैया जाओ, मार्केट कहाँ जाता है, चलो। एक मिनट के टाइम फ्रेम पे फुल अमाउंट यूज है मेरा। ओके, एक मिनट के टाइम पे फुल अमाउंट यूज है मेरा, 41 सेकंड्स का बचा है मेरे पास टाइम, ठीक है। बिग अमाउंट की ट्रेड है और ये जैकपॉट ट्रेड है गाइस हमारी, ठीक है। और ये जैकपॉट ट्रेड अगर हमारी लग गई ना गाइस यहाँ पे, क्योंकि जो 100% मैंने आप सभी को बोला था नीचे जो रेजिस्टेंस है इसको टच करके मार्केट अपॉर्ड ही जाएगा, ठीक है। जो कि अपॉर्ड गया भी, हमारे पास 26 सेकंड का टाइम बचा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। और आपके सामने देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं हमने 12 ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करी है और 12 ट्रेड का रिजल्ट क्या हो सकता है आप खुद जानते हैं, ठीक है। आप खुद जानते हैं इस 12 ट्रेड का रिजल्ट क्या हो सकता है यहाँ पे। ओके, आप सभी के सामने मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को यूज करके किस तरह गाइज आप सभी को एक जैकपॉट ट्रेड विन करके दिखाई है। यहाँ पे देख लीजिए लगभग जो है 12 ट्रेड 1,000 की ट्रेड ये सारी की सारी हमारी प्रॉफिट हैं गाइस, ठीक है। खुद देख सकते हैं यहाँ पे कैसा हमारा जैकपॉट ट्रेड यहाँ पे विन होता है और $22,692 का बैलेंस हमारे लाइव अकाउंट पे यहाँ पे है अभी। और यहाँ पे देख लीजिए $12,695 अभी हम अर्न कर चुके हैं, ठीक है, जो कि हम आने वाले हैं लगभग छठे रैंक पे, ठीक है। जैसे ही अपडेट होता है चार्ट हम छठे रैंक पे आ जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है गाइस, अपने लेवल्स वाइज को, लेवल्स को कनेक्ट करके अपनी एक ट्रेड एग्जीक्यूट बनानी है। एग्जीक्यूटेशन टाइम आपको बनाना है किस टाइम पे आप जो ट्रेड कर रहे हैं। देख लीजिए ये तो वोलेटाइल मार्केट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मोमेंटम चेंज कर रहा था, जिस कारण से हमें ये फिलहाल कुछ ट्रेड हमें बीच में लॉस देखने को मिली, बट हमने अपना मोमेंटम सही पकड़ा था, हम अपने पैटर्न्स पे ही थे जो कि हमें प्रॉफिट लास्ट में देखने को मिला है, ठीक है। सो आपको गाइज अपने माइंड सेट और अपने जो है ट्रेडिंग उससे भटकना नहीं है, अगर आप जो कंटिन्यू इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको कभी भी ट्रेडिंग में लॉस तो खैर नहीं होने वाला गाइज, ठीक है। तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और फॉलो अगर आप जो इनको करेंगे तो आपको होपफुली गाइज प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। और गाइज अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो पे गिव अवे भी है गाइज 1,000 रुपये का, ठीक है। अगर आप विनर बनना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि विनर गाइज वहीं पर अनाउंस होने वाला है। ओके, बाकी गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइज।